अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ये बिल्कुल फ्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है बेशक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। भाई आज हमारे किचन में बहुत मज़ेदार, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रमज़ान की आमद ही आमद है माशाल्लाह से, तो जी उसके सिलसिले में आज मैं मज़ेदार रेसिपी हमारे किचन में बनने वाली है, जो है आलू के समोसे। आलू के पराठे मैं आपको पिछली रेसिपी में दे चुकी हूँ, तो वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और ये ज़रा डिफरेंट है, उसमें मैंने टमाटर वगैरह डाले थे, इसमें टमाटर नहीं यूज़ करेंगे। तो जी सबसे पहले मैं आपको इन्ग्रीडियंट्स बता दूँ। तो जी सबसे पहले मैंने ले लिया ये वाले मेजरमेंट कप से, मैंने 2 कप ये मैदा ले लिया, इसको अच्छी तरह मैंने छान लिया है। 4 मैंने आलू बॉयल ले लिए, इसको भी मैश करेंगे। और 2 से 3 मैंने बड़ी हरी मिर्च ले ली और इसे बारीक बिल्कुल काट लिया। 1 टीस्पून मैंने नमक ले लिया। अच्छा जी, 1 टेबल स्पून मैंने नमक ले लिया। 2 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया। 1 टेबल स्पून मैंने पिसी मिर्च ले ली लाल, और 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर ले लिया, और 1/2 टीस्पून मैंने अजवाइन ले ली, और 10 से 12 मैंने पत्ते हरे धनिए के इस तरह तोड़ लिए हैं। 2 टेबल स्पून मैंने मैदे के लिए घी ले लिया। ठीक है जी, सबसे पहले हम अजवाइन ऐड कर देंगे, मैदे में नमक ऐड कर देंगे और घी ऐड कर देंगे, और इसको नॉर्मली आटे की तरह हम गूंथ लेंगे। जैसे हम आटा गूंथते हैं, बस इसको ज़रा नरम नहीं करेंगे, सख्त रहेगा ये। अब इसको हम अच्छी तरह गूंध लिया है, इसको हमने एक डोसी बना ली और ज़रा सख्त है ये देखें, और इसको हम हल्का सा ऑयल लगा के रख देंगे 10 से 15 मिनट। 1/2 टीस्पून मैंने जीरा ले लिया सफ़ेद, ये मैं भूल गई थी, और साबुत धनिया ले ली मैंने 2 से, अदरक लहसुन हम ऐड करेंगे, आलू ऐड कर देंगे, ये देखें जी तकरीबन 1 मिनट हुआ इसको, और भूनते हुए आलू को और सारे मसालों को, ये देखें इसकी पहचान जो है वो ये है कि ये देखें सब सिमटने लगा एक साथ। ठीक है, अब हम कर देंगे फ्लेम बंद और ये हो गया है डन, और आटा हमारा जो गूंदा हुआ था, अब हम बनाएंगे समोसे, इसको ठंडा करने रख दें। आलू हमारे रेडी हो चुके हैं और इसे 10 से 15 मिनट हो गए, हमने अब इसको निकाल लेना है। देखें कितना ये सॉफ्ट सा भी है, मगर ये देखें, अब हम इसके 2 टुकड़े कर लेंगे इक्वल करके। और इसके भी हम जो है 2 टुकड़े कर लेंगे इस तरह, 4 पीसेस में हम कर लेंगे, और फिर इसके भी हम इक्वल करके 2-2 पीसेस कर लेंगे। अब हम ये एक पेड़ा लेते जाएंगे और इसको बेलते जाएंगे, और इसको हम बिल्कुल रोटी की तरह बेल लेंगे। ये हमने रोटी की तरह इसको बेल लिया बिल्कुल, और इसको बीच से बिल्कुल इक्वल हम इसको कट कर लेंगे, और इसको ले लेंगे हम हाथ में
और जी इस तरह हम इसको हाथ में पकड़ेंगे और यहाँ लगाएंगे हल्का सा हम पानी और इसको कोन की तरह हम तिकोन करेंगे और यहाँ भी थोड़ा सा पानी लगाएंगे और ये देखें ये हमारा कोन टाइप बन गया। पानी लगाएंगे थोड़ा सा इसकी साइडों और इसमें हम भरेंगे आलू। इसमें आप जितना चाहे आलू भर लें, आपको ज़्यादा पसंद है ज़्यादा भरें, कम पसंद है कम भरें। और मेरी तरह अगर आपको इसकी ये पापड़ी अच्छी लगती है तो इसको ज़रा खींचें और इस तरह खींचने के बाद हम इसमें भी हल्का सा पानी लगाएंगे और इस वाले को यहाँ पुश करेंगे और इसको इससे मिला देंगे और इसको इस तरह रख के यूं उंगलियों की मदद से हम दबाएंगे। ये देखें ज़बरदस्त परफेक्ट हमारा समोसा आलू का रेडी है। बाज़ार से भी ज़बरदस्त ना बने तो आप कहिएगा। इसी तरह हम दूसरे जो हमने कट किया था इस स्लाइस को ले लेंगे और ये इस पर हल्का सा हम पानी लगाएंगे और इसको यूं करेंगे और यहाँ भी इस पर पानी लगाएंगे और इसको बना लेंगे कोन। ये कोन बन गई और इसको हम इस तरह पकड़ लेंगे में आलू डालेंगे। बहुत यमी बनते हैं। आप रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान में बनाएं और पकाएं और ट्राई करें और इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये पानी लगाएंगे थोड़ा सा ताकि ये खुले ना। और ये नीचे रख के हम इसको इस तरह तो जी अब इसी तरह हम सारे बना लेंगे, रेडी कर लेते हैं। तो जी फ्लेम हमारा हो गया है गरम और ऑयल भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्लो फ्लेम पे करेंगे इसको फ्राई। तो जी इनकी हम साइड चेंज करने लगे। देखिए कितना खूबसूरत कलर आ रहा है इनका। स्लो आंच पे आएगा, इसको तेज करेंगे तो ये जल जाएंगे। और जी हम वन बाय वन करके इसे निकाल लेंगे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।